Yes, class. In this video, I am teaching you clone face drawing with easy steps. So watch this video carefully. Yes, class. Clone face बनाने के लिए easy steps हम यहाँ use करने वाले, तो वो easy steps हैं आपको. Step से graph draw करना होगा, square draw करना होगा आपको. इसमें क्या होगा? Length लेना है आपको 16 cm और आपको 1, 2, 3, 4 ये boxes आपको visible हैं, show हो रहा है ये draw हुआ हुआ, तो आपको 1 box 4 cm का, इसकी ये लंबाई 4 cm आपको रखनी है, each box की 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, तो कंप्लीट लाइन हमारी है 16 cm. इसी टाइप से आपको वर्टिकल लाइन आपको वृत्त आपको रखनी है 12 cm, 12 cm. सेम आपको यहाँ पे फॉलो करना है स्टेप, 4 cm आपको ईच बॉक्स की वृत्त आपको रखनी है 4 cm, 4 cm. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4, 4, 4, 4, तो कंप्लीट बॉक्स 4 cm में डिवाइड हो जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बॉक्स आपको एक इस रेक्टेंगल में आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो आप ड्रॉ करेंगे इस टाइप से. इस क्लास अब हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं. तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है. अभी हमने 12 cm लाइन ली है. अभी इसको हम डिवाइड करेंगे 4, 4, 4 cm. ईच बॉक्स आपको 4 cm लेना है, वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे आपको कैसे ड्रॉ करना है. फर्स्ट हमने 12 cm ये लेना है आपको एंड 16 cm दिस लाइन. अब हम यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करते हैं. 4 cm आपको ईच बॉक्स हमने बोला है, 4 cm, 8, 4, 8, 12 एंड 16. तो यहाँ हमने मार्क कर लिया है 4, 4, 4 cm. अब हमें साइड लेना है, हमने 12 cm लेना है साइड इसका. 1 एंड 2, तो ये 4, 4 cm में आपको लेना है. इसको ज्वाइन करेंगे हम, देखिए कैसे करना है आपको. स्ट्रेट आपको लाइन यहाँ से ये नीचे ज्वाइन करना है. इसमें हम अदर कंप्लीट 12 बॉक्स निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे, डिवाइड कर देंगे. ये देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 8 बॉक्सेस हमने डिवाइड कर दिए हैं, निकाल दिया है हमने. ये देखिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम ड्रॉ करेंगे, वो देखेंगे आप कैसे ड्रॉ करेंगे. मेन इंपॉर्टेंट है ड्रॉइंग. फर्स्ट आपको ड्रॉ करना है. इसके बाद हम ड्रॉइंग स्टार्ट करते हैं. आप देखेंगे अभी हमने अब ग्राफ ड्रॉ करा है, अभी हम ड्रॉइंग स्टार्ट करेंगे. चलिए, तो फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट एंड सेकेंड. सेकेंड बॉक्स से आपको ये फ्री हैंड शेप इस टाइप से ड्रॉ करना है. ये यहाँ लेकर आना है इसका, ये देखिए यहाँ हमें एंड करना है इस लाइन को, कर्व लाइन लेकर आना है. देन आपको ये आगे कंटिन्यू करना है अपर साइड, इसको ऐसे ही हमें कर्व लेकर आना है. यहाँ हमें इसको एंड करना है. फ्री हैंड लेकर आएंगे, फाइनल आपको लगेगा अभी परफेक्ट है लाइन. देन आप इसको फाइनल करेंगे, डार्क करेंगे, अदरवाइज आप लाइट हैंड से इसको ड्रॉ करेंगे. इसको यहाँ से हम एंड करेंगे. ये आप कर्व देखिए, ये यहाँ पर इसका पॉइंट, यहाँ पर आपको एंड करना है. इस पॉइंट को आपको यहाँ एंड करना है. ऐसे आपको क्लाउड शेप में ऐसे आपको शेप लेना है. अब नेक्स्ट हम अदर साइड्स का कंप्लीट करेंगे. ये आपको फ्री हैंड लेकर आना है लाइन. ये देखिए दोनों का प्रोपोर्शन एकदम सेम है. ये देखिए आप स्केल की हेल्प से इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं. अब अपर साइड की ओर लेते हुए ये लाइन आपको इस टाइप से कर्व लाइन आगे यहाँ हमें एंड करना है. नेक्स्ट हम लाइन स्टार्ट करेंगे. ये देखिए ये यहाँ से अब हमने इसको एंड करा है इस लाइन को. अब यहाँ से हम
नेक्स्ट लाइन ऐसे स्टार्ट करेंगे। अब हमें करना है सर्कल ड्रॉ करना है। अब आपको ये देखिए अभी फर्स्ट स्टेप आउटर एरिया में हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करा है। अब हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल ड्राइंग। तो आप देखेंगे ये हमें फर्स्ट सेकंड सेकंड बॉक्स से हमने ये लास्ट लेना है, लास्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है फ्री हैंड। सर्कल ड्रॉ करेंगे हम फ्री हैंड बेटा। तो अभी हमने यहाँ से ये टू पॉइंट्स के अपर साइड से लाइन स्टार्ट करी, इस टाइप से हमने दिस साइड भी टू पॉइंट छोड़ना है। आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमें सर्कल ड्रॉ करना है। अब हम इस पॉइंट से लेंगे और यहाँ एंड करेंगे इस लाइन को। तो ये इजी स्टेप्स के साथ हम विदाउट एनी ऑब्जेक्ट एंड कंपास सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं फ्री हैंड, ओनली ग्राफ की हेल्प से कर रहे हैं हम। तो ग्राफ हमारा इसीलिए हमने ग्राफ ड्रॉ करा है एग्जैक्ट प्रोपोर्शन के लिए। ये देखिए तो ये कंप्लीट सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब हम क्लोन फेस ड्रॉ करेंगे। आप देखेंगे फोकस करेंगे वीडियो पे। फर्स्ट आपको आईब्रो बनानी है, कट लगाना है टू साइड सेम गैप देकर आप ऐसे कट लगाएंगे। अब हम इसका आउटर एरिया में ऐसे शेप लेकर आएंगे। ये देखिए अभी हमें ओवल शेप ऐसे बनाना है, ओवल शेप ड्रॉ करना है हमें। ये देखिए आईज ड्रॉ करेंगे हम। इस पॉइंट से आप आई लेकर आएंगे और ये लाइन से इस लाइन से नीचे लेंगे आप उसको। अब इसके ऊपर हमें ये आउट अपर साइड की ओर हमें यहाँ से इस पॉइंट से लाइन लेनी है, अपर साइड की ओर लेके जानी है। अब आई बॉल बनाएंगे हम। ये देखिए स्मॉल ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे आईज में हम। माउथ बनाएंगे अब। बोलिए हेड रहता है, ये हमने हेड का एरिया बनाया, हेड बनाया है हमने, यहाँ पे हेड बनाएंगे हम। तो वो देखेंगे आप कैसे ड्रॉ करेंगे। फ्री हैंड लाइन मैंने इस पॉइंट से लिया है, इसको आप ऐसे कर्व ऐसे आप इसको अपर साइड लेके जाएंगे। ये देखिए अब इस लाइन को हम यहाँ से डबल कर देंगे। इसको हम फेयर करके दिखाएंगे आपको आउटलाइन। ये देखिए यस क्लास, तो अपना ड्राइंग टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कर्लिंग करेंगे इसमें। तो क्लोन फेस ड्राइंग आप भी ऐसे ही ट्राई करेंगे ग्राफ की हेल्प से। ये देखिए कितना इजी है ड्रॉ करना, अदरवाइज हम ड्रॉ करेंगे कहीं ना कहीं तो प्रोपोर्शन में हमें मिस्टेक हो ही जाएगी हमसे। तो ग्राफ की हेल्प से आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट जैसा आपके ड्राइंग बुक में शो किया हुआ है पेज नंबर 17 पे, वैसे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट स्टेप्स आपके ड्राइंग बुक में भी आपको मिलेगा सीखने के लिए, और वीडियो में भी आप वीडियो की हेल्प से भी आप देख सकते हैं। चलिए अब कलरिंग स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमें नोज़ में कलरिंग करनी है, तो हम रेड कलर यूज़ करेंगे। तो कलरिंग से पहले हम लाइंस रब कर देंगे ग्राफ की। तो वो हमने ओनली ड्राइंग के लिए ड्रॉ करा था, इजी हमारे लिए इजी रहे ड्राइंग, तो हम ये अभी रब कर देंगे। अब हम रेड कलर अप्लाई करेंगे नोज़ में। फर्स्ट आउटलाइन करेंगे आप, टाइप से नोज में आपको रेड कलर करना है। इसकी माउथ में आपको मैरून डार्क रेड कलर फिल करना है।
पतंग आपको ओनली व्हाइट रहने देना है, इसमें कलर नहीं करना है, व्हाइट यहाँ पर। आई हम इस सर्कल में अभी कलर करेंगे, ब्लू कलर फिल करेंगे हम। अब हम कलर स्टार्ट करेंगे हेयर में, तो फर्स्ट हम आउटलाइन रब कर लेंगे। अब हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऐसा करते हैं, हम आउटलाइन करते हैं ब्लैक, तो वो ज़्यादा हमारे लिए इजी रहेगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट हम ब्लैक आउटलाइन करेंगे। अब हमें हेड में आउटलाइन करना है, ये देखिए। कंप्लीटली हमें ब्लैक करना है इसको, आईब्रो। ये आउटलाइन कंप्लीट हो गई है, अब हम आईब्रोज भी हमें ब्लू कलर से कलर करना है। ये देखिए, हेयर में हम कलर फिल करेंगे ऑरेंज कलर। अदर साइड भी हमें इस टाइप से ऑरेंज कलर फिल करना है। एरिया ज़्यादा होता है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं स्पेस ज़्यादा है, तो हम ब्रॉन्ज कलर यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा, अगर हमें मिल रहा है स्पेस ज़्यादा है तो। क्योंकि स्केच कलर में पैचेस आते हैं बेटा, उस स्मॉल मतलब जैसे आप देख रहे हैं नोज़ के साइड, आई में हमने और दिस साइड हमने स्केच कलर यूज़ करा है, तो छोटी छोटी जगह पर आप स्केच कलर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे स्पेसिंग एरिया में आप ब्रॉन्ज कलर यूज़ करेंगे, तो ईजिली मर्ज हो जाता है।
और वाइट हमें नहीं छोड़ना है बैकग्राउंड शीट कलर का, वाइट हमें एरिया नहीं छोड़ना है, अच्छे से कलरिंग करना है, फिनिशिंग का कम्प्लीटली पूरी तरह ध्यान रखना है। ये देखिए आप, मैं कैसे मर्ज कर रही हूँ, हैंड कैसे मूव हो रहा है, तो इसका हिस्से आप कलर इसमें फिल करेंगे ड्राइंग में। अब हमें फेस में कलर करना है, तो हम स्किन कलर है वो कलर फिल करेंगे लाइट। ये देखिए फेस में हमने येलो कलर एंड स्किन कलर वो कॉम्बिनेशन शो करा है, और अब हम अपर साइड कैप में कलर करेंगे, रेड कलर फिल करेंगे कैप में। आप साइड हम ग्रीन कलर फिल करेंगे। थोड़ा सा हमें हेयर में शेड दिखाना है, तो ब्राउन कलर से हम दिखाएंगे शेड। ये देखिए ओनली साइड साइड आपको स्टेप से डार्क इफेक्ट दिखाना है ब्राउन कलर से। बैकग्राउंड में येलो है, ऑल ओवर हेयर में येलो कलर है, साइड साइड हमने ओनली ब्राउन कलर से इफेक्ट दिखाना है डार्क। ये देखिए इसी टाइप से अदर साइड भी हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे। यस क्लास, आप देख सकते हैं बेटा ड्राइंग आप एंड कलरिंग बहुत कंप्लीट हो गया है। आपको भी ऐसे ही ट्राई करना है, नीट एंड क्लीन एंड कलरफुल।